जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, सरदार मनजीत सिंह जी जिंदाबाद, सरदार मनजीत सिंह जी जिंदाबाद, एडवोकेट निर्मल कोतवाल जी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। बोले हट भाई, इधर महेंद्र भैया भाई, हेलो हेलो, इधर नबी लीला भेड़िया था भाई, सशीदार बिठाऊंगा ना मैं उसका भी शॉट बनेगा, उसका भी आना मेरा उसका ही शॉट बनेगा ना। आइए मैं बिठाता हूँ आपको, आइए यहाँ से, आइए यहाँ से, आइए तो ये शॉट बैठाइए, कोतवाल साहब बैठो, बैठो बैठो कोतवाल साहब बैठो। आदाब सर, आदाब। कोतवाली सामने आए सर्दियों में, आए गर्मियों में, कश्मीरी आए, उन सब का जिस तरह से यहाँ इस्तकबाल किया, उनको जो कर्टिसीज एक्सटेंड की जम्मू में, उसका शुक्रिया आज सब जम्मू को करना चाहता हूँ। अगर भाईपन को जिंदा किसी ने रखा तो जम्मू के लोगों ने रखा, जिसे कहते हैं ना ब्रदरहुड, दे स्टूड अप लाइक अ रॉक फॉर देयर कश्मीरी ब्रदर्स व्हेन होल ऑफ कश्मीर वाज बर्निंग। उस वक़्त सब शक करते थे कश्मीरियों पे कि शायद उग्रवादी है ये, हर एक कश्मीरी पे उंगली उठाई जाती थी कि ये उग्रवादी हैं, लेकिन जम्मू के किसी शख्स ने भी ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये हमारे भाई हैं, आज अगर वहाँ मुसीबत है इनको हम जम्मू वेलकम कर रहा है। हमारे पंडित भाई बाद के आए, उन्होंने अपना दूसरा घर यहाँ पाया, कश्मीरी मुसलमान डोडा से, राजौरी से, पुंछ से, जो भी मुसलमान आया उन्होंने दूसरा घर जम्मू में पाया। जम्मू वालों, सही मानों में आपने अपना बड़ा दिल दिखाया, खुदा भगवान आपको इसका ज़रूर सिला देगा, क्यों दुनिया में शायद सब कुछ इंसान इंसान के लिए नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ऊपर देखने वाला होता है। अपनी पार्टी के बारे में मनजीत सिंह जी ने कहा, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ सब साथी पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मैं कोई सियासतदान नहीं, मैं आम सा साधारण सा नागरिक हूँ इस स्टेट का, जिस तरह सब लोग आप यहाँ हैं। आज मुझे खुशी होती है एक और आम सा नागरिक निर्मल कोतवाल भी लोगों की खिदमत में पेश आगे आया, और आज जिन लोगों ने जमा यहाँ ज्वाइन किया हमारे साथ, वो भी क्यों, हमारा कोई ये पेशा नहीं है, हम पेशे से सियासतदान नहीं हैं, लेकिन लोगों की खिदमत करना, तो ये तो खुदा ने हम सबको इंसान को पेशा ही दिया था ना, उसने भेजा ही था इंसान को इसीलिए कि वो एक दूसरे की खिदमत करेंगे।
इसमें कोई मुआवजा नहीं होता है, इसमें कोई मजदूरी नहीं मिलती है, लेकिन इसमें दुआएं मिलती हैं जो कहीं और नहीं मिलती हैं। जब आप किसी का नलका फिट करवाते हैं या किसी के लिए बिजली का पोल प्रोवाइड करवाते हैं या ड्रेन उसका ठीक करवाते हैं या किसी के बच्चे के लिए टेलीफोन करते हैं मामूली सी चीज़ के लिए, तो आपके लिए तो वो बहुत मामूली होता है, लेकिन जिस शख्स के लिए करते हैं उसके लिए उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि निर्मल साहब एक सक्सेसफुल कैरियर से यहाँ की शराब शिफ्ट ले रहे हैं। मुझे आए उनके सामने, क्योंकि अल्ताफ बुखारी को मुके की सियासत करने की आदत नहीं है, मैं हाथ जोड़ के सियासत करता हूँ कि उन लोगों के लिए अगर पाँव भी पकड़ने पड़ेंगे, जब हुक्मरान जालिम हो तो ऐसा ही करना पड़ता है। तो 24 घंटे में हमने चेंज कराया, जिसमें अपने बच्चों के लिए सब नौकरियां रिजर्व कराई। तो हमारे बच्चों के लिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? ये कहने से थोड़ा ही कि 70,000 करोड़ रुपये आए। हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं, आप जम्मू वाले हैं, मुझे बताओ आपने 7,000 की देखी, 700 की देखी? रोज कह रहे हैं 6 लाख बच्चे, 7 लाख बच्चे कहाँ, किसने? और मुझे ये समझ नहीं आता है, क्या इनको इलेक्शन यहाँ लड़ना है जो आज ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि हम लोगों को लड़ना है? ये तो सब घोड़े पे बैठे हुए हैं कि हमारी बारात निकल रही है। मैं तो इनको आज वाजा करना चाहता हूँ, ये घोड़े ना सजाओ, बाराती भी हम ही हैं और बारात वाले भी हम ही हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ही इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जम्मू कश्मीर के वासी ही लड़ेंगे। आज हमने मजबूर किया, जो इन्होंने 3 दिन पहले कन्फ्यूजन खड़ा किया था, हमने मजबूर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। परसों जब कश्मीर में एक फिर साजिश की गई थी कि आप शायद जम्मू कश्मीर में एक और आग लगा देंगे, मैंने अपील की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से, ये क्लियर करो कैसे हो सकता है कि आप कहते हो बाहर वाले यहाँ आके वोट डालेंगे, जब हिंदुस्तान के पूरे आईन में नहीं है, यहाँ कैसे हो सकता है? और मैं शुक्रिया करता हूँ हिंदुस्तान के वजीर आजम का, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर का, जिनकी अकल टाइम पे आ गई और उन्होंने आज क्लैरिफाई किया है अखबारों में कि ये जो 25 लाख लोग हैं ये कोई 25 लाख नहीं, ये 18 साल की एज जो अटेंड कर चुके हैं वही बच्चे हैं, यहाँ कोई बाहर का वासी वोटर एंटर नहीं होगा, जिन्होंने ये क्लियर किया कि आज यहाँ की ज़मीनों और नौकरियों पे कोई ख़तरा नहीं है। इनकी चले जो यहाँ हैं, ये तो हमें रोज़ रुलाएं, मुझे तो एक ज़रा भी समझ नहीं आती है। और यहाँ की सियासी पार्टियाँ मौज कर रही हैं इसी में, लव बुलाओ जी ऑल पार्टीज, बुलाओ जी। ओ यार क्या करोगे, तुमने ऑल पार्टियां तब भी की जब 370-35 ये था, क्या लाया गवाया अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने? तो 370-35 से वापस नहीं लाया, लेकिन जो उसका मतन था वो तो लाया। 370 में क्या था, हमारी नौकरियां हमारी थी, मैंने ऑर्डर तो उसके लिए लाया। 35 ए में था हमारी ज़मीनें हमारी, मैंने 95% ज़मीनों का ऑर्डर तो लाया। मैं इनकी तरह अगर रह जाता कि लड़ूंगा दिल्ली से, क्या मिलता दिल्ली से लड़के? हम कमज़ोर लोग हैं, हम क्या लड़ सकते हैं? हमें तो जाके हाथ पांव जोड़ने हैं, क्यों हमारे वसाइल कम हैं? लेकिन मैं मुल्क के वजीर आजम को कहता हूं, हम वसाइल से कमजोर हो सकते हैं। गुड न्यूज फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर गर्ल्स इंस्टीट्यूट परेपोरा श्रीनगर, एन एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट रन बाय वुमेन For women is offering coaching in medical and engineering entrance examinations. You'll be glad to know that admissions are totally free for orphan girls along with free study material, and hostel facility will also be provided to girl students. Hurry up, the admission process is starting from 5th of August. For more information and registration, you can contact us on 600-504-060 or 8899-05610.